हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। गाइस, जैसा कि आपको पता होगा, अभी कुछ दिनों पहले बहुत सारे रूमर्स फैल रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में ये जो टुकड़ा मिला है ये चंद्रयान 3 का कोई पार्टिकल है। बट गाइस, अब ये सब क्लियर हो गया कि ऑस्ट्रेलिया में मिला रहस्यमय टुकड़ा चंद्रयान 3 नहीं बल्कि ESLV का मलबा है। ऑस्ट्रेलियाई स्पेस एजेंसी ने इसका खुलासा किया। एजेंसी के मुताबिक यह टुकड़ा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ESLV का मलबा है जिसे इसरो ने लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के 3 दिन बाद पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के ज्यूरियन तट पर एक रहस्यमय चीज मिली थी। इसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि यह भारत में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 का कोई हिस्सा है। एजेंसी ने बताया कि PSLV एक माध्यम लिफ्ट लॉन्चिंग व्हीकल है जिसे इसरो संचालित करता है। एजेंसी के अधिकारी के मुताबिक फिलहाल मलबे को जमा करके रखा गया, साथ ही इसरो के साथ मिलकर इस पर काम किया जा रहा है। इसका मकसद संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष संधियों के तहत दायित्वों पर विचार करने के साथ ही अगले कदम पर फैसला लेना है। एजेंसी ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें कोई और संदिग्ध मलबा दिखे तो उन्हें इसकी सूचना स्थानीय अधिकारियों को देनी चाहिए। एजेंसी का कहना यह भी है कि वह अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध। समुद्र किनारे मिला PSLV का वह मलबा 2 मीटर ऊंचा और करीब 2 मीटर चौड़ा है। इसकी वजह से इसे रॉकेट का तीसरा चरण बताया जा रहा था। वैज्ञानिकों के मुताबिक अंतरिक्ष यान के बूस्टर और इसके कुछ हिस्सों को आम जनजीवन की सुरक्षा के लिए समुद्र में फेंक दिया जाता है। बाकी गाइस, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।